हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है ओम्स लॉ, ठीक है। आज हमें पढ़ना है ओम्स लॉ और उसके बाद डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि करंट है वो कैसे फ्लो होता है, करंट फ्लो होने के लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, जिसका हमने नाम दिया था पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अभी हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। तो लॉ का स्टेटमेंट क्या है समझना, लॉ का स्टेटमेंट है अंडर सम डिफाइनेट कंडीशन का मतलब होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना क्यों ज़रूरी है वो आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि कोई भी वायर है, कोई भी कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे डिफाइन होने वाला है। तो स्टेटमेंट है अंडर सम डिफाइनेट कंडीशंस द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंडिंग पॉइंट्स। मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो कोई भी एक कंडक्टर ले लो, सपोज ये कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग वायर है और यहाँ पे मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, मतलब बैटरी की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। अब ये V पोटेंशियल डिफरेंस है समझना। अगर मुझे दी गई है V की वैल्यू 10, तो अभी से समझना स्टार्ट कर दो। V इक्वल टू अगर 10 है तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो 10 ले लूँ, तो नेगेटिव टर्मिनल मुझे उसके रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा 0। अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल है उसको 20 बोल दूँ तो मुझे नेगेटिव टर्मिनल लेना पड़ेगा 10। तो V है वो कोई पोटेंशियल नहीं है। यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं V वो वोल्टेज है, वोल्टेज का मतलब रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज ले लूँ 5, यहाँ पे मैं पोटेंशियल ले लूँ 5, तो यहाँ पे मुझे पोटेंशियल लेना पड़ेगा -5, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 माइनस 5 क्या रहेगा 10 वोल्ट। तो आ गया V इक्वल टू 10 वोल्ट। मतलब अगर बैटरी के वोल्टेज 10 वोल्ट आपको दिए हुए हैं, इसका मतलब कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है वो एनोड एंड कैथोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है। तो पोटेंशियल अगर आप पॉजिटिव प्लेट का +5 सिलेक्ट करो तो नेगेटिव प्लेट का आएगा -5, पॉजिटिव प्लेट का 10 सिलेक्ट करो तो नेगेटिव प्लेट का आएगा 0, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल आप 20 वोल्ट सिलेक्ट करो तो नेगेटिव प्लेट का आएगा 10 वोल्ट। मतलब किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल आप खुद डिफाइन कर सकते हो और सिस्टम में बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल आपको जो आपने सिलेक्ट किया है पोटेंशियल उसके रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं I भी बोल सकता हूँ, ओके। अगर मैं V टू I रेशियो ले लूँ तो फॉर गिवन कंडक्टर ये कांस्टेंट बनेगा। हाँ, कंडक्टर चेंज होगा तो ये कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है ना। मतलब सपोज आप एक ही बैटरी है उसकी हेल्प से अलग अलग कंडक्टर चेक कर रहे हो, समझना। एक ही बैटरी मतलब सपोज 10 वोल्ट की बैटरी है, उसकी हेल्प से आप अलग अलग कंडक्टर है उसको चेक कर रहे हो कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो आप देखोगे कि जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा उसमें ये कांस्टेंट की वैल्यू कम आएगी और जिसमें कम करंट फ्लो होगा उसमें कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी। मतलब क्या हुआ कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो करंट को अपोज कर रही है, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू आप बढ़ा दो तो करंट यहाँ पे डिक्रीज होता है, और कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको कंडक्टर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक कंडक्टर के लिए ये वैल्यू फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। इसलिए हमने लिखा है V अपॉन I फॉर गिवन कंडक्टर इज कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हमने नाम दे दिया रेजिस्टेंस। तो V अपॉन I इक्वल टू R, और R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर।
ठीक है। तो V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और आप याद रखने के लिए V इक्वल टू IR भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई कंडक्टर है, उसमें से करंट पास हो रहा है, I, और वो कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस आपको पता है R, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स पॉइंट, वो आपको मिल जाएगा I इंटू आर की हेल्प से। क्लियर? तो यहाँ सब, यहाँ तक आपको ये सब पता चल गया V इज इक्वल टू आई आर तक। याद रखने के लिए डायरेक्ट स्पेलिंग याद रख लो, VIR, वीर। ओके, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट फ्रेम में हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस की। ओके, तो रेजिस्टेंस R है वो किस पे डिपेंड करता है वो बाद में बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं यूनिट की। तो रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला है V अपॉन I, उस हिसाब से यूनिट क्या बनेगा, तो यूनिट ऑफ R इज, यहाँ से ही निकाल लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट और करंट है तो मीटर, मतलब वोल्ट पर मीटर, और उसी को हम नाम देंगे ओमेगा। ये सिंबल है ओमेगा, बट ये यूनिट जब आप नाम बोलोगे तब आपको बोलना है ओम। ओके, तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो आप ओम में बताओगे। ठीक है, चलो R इक्वल टू V अपॉन I हो गया। अभी अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं V टू I का ग्राफ, ठीक है ना, तो यहां पे पता चल गया V टू I इज इक्वल टू R, मतलब क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह मिलेगा, क्लियर, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ के ऊपर मैं कोई दो पॉइंट ले लूं, सपोज ये A एंड ये B, तो मुझे जो ये वोल्टेज वाली एक्सिस पे मिलेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ये VA और ये VB, और यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है वो क्या है, करंट का डिफरेंस है IA IB। तो अगर मैं ये चीज़ की बात करूँ तो ये चेंज इन करंट है, मतलब मैं क्या ले सकता हूँ, डेल्टा I। अगर ये चीज़ की बात करूँ तो ये चेंज इन पोटेंशियल है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। तो यहाँ पे जो स्लोप मुझे मिल रहा है, स्लोप जिसको हम M से डिनोट कर सकते हैं, ये स्लोप मुझे क्या मिलेगा, चेंज इन Y एक्सिस अपॉन चेंज इन X एक्सिस, मतलब डेल्टा I डिवाइड बाई डेल्टा V, मतलब 1 अपॉन रेजिस्टेंस। अगर I टू V ग्राफ है तो आपको जो स्लोप मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को सपोज मैं G से डिनोट कर दूं, ये क्या है, कंडक्टेंस, ये R क्या है, रेजिस्टेंस। ओके, तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या बनेगा, समझो, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या बनेगा, तो जो रेजिस्टेंस का है उसका रेसिप्रोकल करना है, तो यहाँ पे वोल्ट पर एम्पियर आएगा, मीटर मैंने लिख लिया है, जो यहाँ पे वोल्ट पर एम्पियर है उसका उल्टा, मतलब क्या बनेगा, एम्पियर पर वोल्ट, या तो आप बोल सकते हो ओम का उल्टा, तो ओम का उल्टा मतलब ओम इनवर्स, और उसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ओमेगा है उसको उल्टा कर दो, और इसको बोला जाता है MHO, ये इस तरफ से रीड करो तो ओहम है और उल्टा रीड करो तो मोह है। ठीक है, तो ओहम इनवर्स लिख सकते हो, एम्पियर पर वोल्ट लिख सकते हो, या तो मोह लिख सकते हो। क्लियर, रेजिस्टेंस डिसाइड कैसे होता है, मतलब मटेरियल की कोई ना कोई प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस डिफाइन करती है, वो प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। सेम वे कंडक्टेंस जिससे डिसाइड होता है वो कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है, मतलब अगर मैं बोलूँ रेजिस्टिविटी तो इक्वल टू आपको बोलना पड़ेगा 1 अपॉन कंडक्टिविटी, या मैं बोलूँ कंडक्टिविटी तो आपको बोलना पड़ेगा 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर होगा, ये
आई टू वी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आपको मिल रहा है, इंक्रीजिंग मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ को फॉलो करने वाली बहुत सारी डिवाइसेस है, बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी भी है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, उसके भी बहुत सारे रीजंस है, ठीक है, वो भी हम वन बाय वन हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया, अभी हम बात करेंगे रेजिस्टर ऑफ एनी कंडक्टर कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। ओके, तो अभी बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ओके, कोई भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कैसे डिसाइड होता है, तो उसके लिए देखो एक आएगा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। चलो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मतलब ये हो गई उसकी रेजिस्टिविटी, जो कि कोई भी मटेरियल के लिए फिक्स होगी, जैसे एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी, कॉपर के लिए अलग, आयरन के लिए अलग, कार्बन के लिए अलग, ठीक है, कोई भी सेमीकंडक्टर से जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, उनके लिए अलग, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल सबसे पहली बात है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो एक आएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिसको हम L से डिनोट करेंगे, रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करने वाले हैं, क्लियर। एक आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे, और उसके बाद एक आएगा टेम्परेचर, जिसको आप T से या तो थीटा से डिनोट कर सकते हो। ओके, तो रेजिस्टेंस डिसाइड होता है ये चार फैक्टर से, जिसमें से ये जो तीन है वो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में आ जाएगा, क्योंकि आपने कंडक्टर कौन सी लेंथ का लिया है, कौन से क्रॉस सेक्शन का लिया है, कौन सा मटेरियल लिया है, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। बट ये जो टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल फैक्टर है, वो वेरी हो सकता है। अब ओम्स लॉ में जो बात हुई थी वो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात हुई थी, तो अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो उसके बाद अगर आपने टेम्परेचर एक बार कांस्टेंट ले लिया तो रेजिस्टेंस डिसाइड होगा सिर्फ ये तीन फैक्टर से। टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है उसकी बात हम बाद में करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक हो गई प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी जितना ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा ही, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो दो ही चीज़ें, एक तो लेंथ और एक है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने कंडक्टर लिया और जिसमें मैंने पहले लेंथ सेम रखी, सॉरी लेंथ डिफरेंट रखी और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखा, ठीक है ना। ये दो डिफरेंट कंडक्टर है, एक में लेंथ कम है, एक में लेंथ ज़्यादा है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ठीक है ना। अब समझने के लिए बात करते हैं कि सपोज मेरे पास कोई एक ऐसा माउस है, चूहा, ठीक है, पैर या टायर नहीं होते चूहे के, और उसको मुझे इसमें से पास कराना है और इसमें से भी पास कराना है, तो कौन से कंडक्टर में से पास कराना इजी रहेगा, आप बोलोगे इसमें। क्यों? क्योंकि लेंथ ज़्यादा रहेगी तो मुश्किल रहेगी ज़्यादा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जो मोशन हो रही है उसको ऑपोज ज़्यादा हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस है वो लेंथ इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है, लेंथ डिक्रीज होने से डिक्रीज होता है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया, ठीक है। अभी समझने के लिए एक और बात करते हैं, चलो इसको हम निकाल देते हैं, इसको हम निकाल देते हैं, और मैंने कंडक्टर ले लिया कुछ ऐसा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, लेंथ सेम है, लेंथ हमने सेम रख दी और क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दोनों में डिफरेंट लिए। अभी यहाँ से मुझे ये चूहे को पास कराना है तो और ज़्यादा इजी रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हुआ तब इसकी मोशन में जो रेजिस्टेंस था वो डिक्रीज हुआ। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है कब? जब क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होता है, इसलिए आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इन दोनों को कंबाइन कर दें
इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइड बाय A, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइड बाय A। अब ये बात हो गई समझने की। अब एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना लिख सकते हैं कि दो पाइप है, एक में से चूहा पास कराओ दूसरे में से चूहा पास कराओ, क्या होगा, ठीक है ना। अभी हम टेक्निकली समझते हैं कि R इक्वल टू L डिवाइड बाय A कैसे हुआ। R इज इक्वल टू L डिवाइड बाय A, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइड बाय A कैसे हुआ, ये टेक्निकली समझते हैं नेक्स्ट फ्रेम में, ठीक है। अभी बात करते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A कैसे होगा। तो सपोज मैंने कोई ऐसा एक कंडक्टर ले लिया, जिसकी लेंथ है L और ये जो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है वो है A, और मैं करंट यहां से पास कराने वाला हूं, यहां से करंट निकलने वाला है। करंट इधर से पास होता है, समझो यहां से ऐसे पास हुआ ना, तो ये पूरी बन गई उसके लिए लेंथ और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और पेंडुलर सरफेस से वो क्या बनेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मैं करंट यहां से पास करूं और यहां से निकालूं तो ये जो ऊपर का आपको दिख रहा है वो क्या बनेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये जो है हाइट ये बन जाएगी उसके लिए लेंथ। क्लियर, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोज मैं ये कंडक्टर है उसकी लेंथ डबल कर दूं, ये कंडक्टर की अगर मैं लेंथ डबल कर दूं कुछ इस तरह, ये लेंथ हो गई डबल, L की क्या हो गई 2L, L plus L 2L। अब आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो यहां पे पोटेंशियल डबल हो जाएगा। पोटेंशियल जो V था, समझना, जो रेजिस्टेंस इनिशियली था वो V upon I था, पर जो फाइनल रेजिस्टेंस बनेगा वो 2V डिवाइड बाय I बन जाएगा। करंट तो वही पास होगा क्योंकि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन पास होने वाले हैं वही इसमें से निकलने वाले हैं, बट ये डिस्टेंस इंक्रीज हो गया इसीलिए जो एंडिंग पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होना चाहिए वो डबल बन जाएगा। तो R डैश इक्वल टू 2V डिवाइड बाय I, मतलब R डैश इक्वल टू क्या बन गया, 2R, डबल रेजिस्टेंस बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप लेंथ इंक्रीज कराते हो तब रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, जब आप लेंथ इंक्रीज कराते हो तब रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसीलिए हमने लिखा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अभी तक हमने एरिया चेंज नहीं किया है क्योंकि दोनों कंडक्टर के लिए एरिया हमने सेम रखा था, ठीक है। तो ये बात हो गई लेंथ के लिए, अभी बात करते हैं एरिया के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया के लिए। सपोज मेरे पास वही कंडक्टर है जो पहले था, बात करते हैं एरिया के लिए। सपोज मेरे पास वही कंडक्टर है जो पहले था। अब ये कंडक्टर की लेंथ क्या है, L, कंडक्टर की लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है A। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डबल कर देता हूँ, मतलब एक दूसरा एक कंडक्टर सेम वैसा ही मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, दूसरा एक कंडक्टर मैंने सेम वैसा ही यहाँ पर मैंने लगा दिया। ठीक है, तो जो एरिया था वो अभी A नहीं है, क्या बन गया 2A। तो इनिशियली रेजिस्टेंस क्या था, तो इनिशियली रेजिस्टेंस था वो V अपॉन I था। अभी क्या होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, तो पोटेंशियल के लिए पॉइंट्स तो वही है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा, बट करंट अभी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, करंट अभी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि पैरेलली चार्ज यहाँ पे भी फ्लो हो रहा है और यहाँ पे भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि करंट है वो हाफ हो गया। ठीक है, एरिया हमने डबल कर दिया है, समझना, तो करंट है वो क्या बन गया, हाफ। तो R डैश इक्वल टू में V कांस्टेंट है, और एक कंडक्टर की बात करूँ तो करंट बन गया I डिवाइड बाय 2।
और करंट अगर हाफ हो गया तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे करंट I और यहाँ पे करंट I दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, ठीक है, तो ये बन गया 2I, मतलब रेजिस्टेंस आर्क डैश की वैल्यू है वो क्या बन गई R बाय 2। एक कंडक्टर की बात करूँ तो करंट हाफ हुआ है, समझना, एक करंट कंडक्टर की बात करूँ तो करंट हाफ हुआ है, मतलब टोटल करंट है वो डबल हो गया 2I, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, पैरेलली पास हो रहा है, दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो गया, तो टोटल करंट क्या होना चाहिए 2I। तो हमें बात करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना था एज इट इज़, मतलब V, टोटल करंट कितना आया 2I, तो ये बन गया R डिवाइड बाय 2, तो रेजिस्टेंस है वो हाफ हुआ, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने एरिया इंक्रीज कराया रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो गया, एरिया मैंने 2 times इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस है वो डिवाइड बाय 2 हो गया, इसीलिए मैं हम बोल सकते हैं कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये बनाया R इज इक्वल टू, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करें, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करें तो क्या करना पड़ेगा, समझो यहाँ पे कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेन जो डिफाइन होता है वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी की हेल्प से, मतलब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है एटॉमिक लेवल पे उससे डिफाइन होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया है, रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करने की एबिलिटी जितनी ज़्यादा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा, इसीलिए ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है वो जब मैं रिमूव करूँ, इक्वल टू साइन लगाता हूँ तब मैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो R बन गया रो L डिवाइड बाय A, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन कंडक्टर। गिवन कंडक्टर इसीलिए लिखा है मैंने क्योंकि जब कंडक्टर आप चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो R इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद रखना है, रो L डिवाइड बाय A, रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ और A क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आप जो फ्लो ऑफ करंट है उसके परपेंडिकुलर सरफेस वाले जो सरफेस है उसका एरिया लेने वाले हो। चलो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या बनेगा, रेजिस्टिविटी इक्वल टू बनेगा आर ए डिवाइड बाय एल, आर ए डिवाइड बाय एल। उस हिसाब से अगर मैं रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालूं तो ओहम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट बनेगा वो ओहम इंटू मीटर। जो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट बनने वाला है वो क्या बनेगा, ओहम इंटू मीटर, क्लियर। तो याद रखना है आपको रेजिस्टेंस इक्वल टू वी अपॉन आई फॉर्मूला है। अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करो तो, मतलब आप सप्लाई वोल्टेज अप लगाओ और करंट की बात करो तो, अगर रेजिस्टेंस को कोई सप्लाई नहीं दिया है तो भी वो अपना रेजिस्टेंस शो कर सकता है, और वो क्या है, रो एल डिवाइड बाई ए, आप उससे भी डिफाइन कर सकते हो। हाँ, ये चीज़ अलग है कि रेजिस्टेंस तभी एक्टिवेट होगा जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है तभी तो वो रेजिस्ट करेगा, ठीक है, और उसका यूनिट रहेगा ओहम। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है आर ए डिवाइड बाई एल, और उस हिसाब से यूनिट बना ओहम इंटू मीटर। चलो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल में अगर करूँ तो, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करूँ तो वो मुझे मिलेगी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को अगर मैं सपोज सिग्मा से डिफाइन करूँ तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नॉन एज कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या बनेगा, कंडक्टिविटी का यूनिट बनेगा ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, या तो आप बोल सकते मो पर मीटर, क्लियर। ओहम इनवर्स को हम मो भी बोल सकते हैं, वो हमने पहले देखा था, ठीक है। तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला याद रखना है V अपॉन आई, R इक्वल टू फॉर्मूला याद रखना है रो एल डिवाइड बाई ए। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो आपको याद रखना है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इक्वल टू 1/ρ, और उसका यूनिट आपको याद रखना है ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्लियर। यहाँ तक आप याद रखोगे, और इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी फर्दर डेरिवेशन पे चलते हैं। V इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है आई आर,
चलो तो v इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ i इंटू रो एल डिवाइड बाय ए। तो यहाँ पे मैं v इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो आप देखोगे लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगी, तो आपको e क्या मिलेगा, तो e मिलेगा i रो डिवाइड बाय ए। ओके, लेंथ यहाँ पे कैंसिल हो रही है, e इक्वल टू मिलेगा i रो डिवाइड बाय ए। तो यहाँ पे जो i डिवाइड बाय ए आया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया आया, उसको हम डिफाइन करते हैं अलग फिजिकल क्वांटिटी से, करंट डेंसिटी। ठीक है ना, तो आप लिखोगे हियर i डिवाइड बाय ए इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, और जिसको बोला जाता है जे। तो जे इक्वल टू क्या है, आई डिवाइड बाई ए। तो यहाँ पे मैं रख दूँ तो मुझे ई क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू जे इंटू रो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू जे इंटू रो। क्लियर यहाँ तक? ओके, तो ये बन गया जे, ई इक्वल टू जे इंटू रो। अभी समझो कि रो की जगह पे मुझे अगर कंडक्टिविटी यूज करनी है तो ई इक्वल टू जे इंटू वन अपॉन सिग्मा, रेजिस्टिविटी इक्वल टू वन अपॉन कंडक्टिविटी। तो मैं अगर जे को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊँ तो जे इक्वल टू सिग्मा इंटू क्या बनेगा, ई। ये आपको याद रखना है, करंट डेंसिटी इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट है ये स्केलर क्वांटिटी है, बट इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी जो डिरेक्शन है, मतलब आप बोलो विथ डिरेक्शन अगर हम दिखाना चाहें इसको, तो जे वैक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वैक्टर लिख सकते हैं। मतलब करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप रखोगे। ओके, तो ये डेरिवेशन भी आपको याद रखना है, वी इक्वल टू आई आर से स्टार्ट करना है, वी इक्वल टू ए एल लिख दो, यहाँ पे आई इंटू रो एल बाई ए लिख दो, एल एल कैंसिल आउट हो गया, ई इक्वल टू आई रो डिवाइड बाई ए हुआ, जिसमें आई अपॉन ए को हमने नाम दे दिया करंट डेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट किया हमने जे से, जे इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए। यहाँ पे नाम दे दो इक्वेशन वन, और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन वन। ओके, ई इक्वल टू जे इंटू रो, रो की जगह पे क्या लिख दिया हमने, वन अपॉन कंडक्टिविटी मतलब वन अपॉन सिग्मा, और जे इक्वल टू हमने ले लिया सिग्मा इंटू ई। अगर आपको डायरेक्शन के साथ दिखाना है तो जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। सिग्मा क्या है, तो वो कंडक्टिविटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी ये जो है जे, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी। ओके, चलो यहाँ तक याद रखना है। इसका यूनिट क्या बनेगा, करंट डेंसिटी का यूनिट बनेगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे करंट डेंसिटी का यूनिट बनेगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या था, ओहम्स लॉ। ओके, तो ओहम्स लॉ हमने पूरा पढ़ लिया है, लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ बाकी है, जो हम नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, और जो आगे की थियोरीज है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलती रहेगी। आज जो भी किया है वो अच्छे से समझ लो। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आए कि हाउ रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डिसाइडेड, या तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और वो जो मैंने टेक्निकली आपको एक्सप्लेन किया था, दो कंडक्टर को अगर मैं लाइन में खड़ा कर दूँ तो लेंथ डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस डबल हो रहा है, अगर दो रेजिस्टेंस है उनको मैं ऐसे पैरेलली कनेक्ट कर दूँ तो जो करंट था वो दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो रहा था, बट करंट की वैल्यू सेम रहती थी क्योंकि पोटेंशियल सेम था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, तो यहाँ पे आने वाला करंट है वो डबल हो जाता था, डबल करंट होने की वजह से रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता था। ये सब टेक्निकली आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक क्लियर है, प्रैक्टिस करो, ये सब आप डेरिवेशन है वो लिख के एक बार, अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट है नहीं, तो आपको शायद कोई डाउट जनरेट होगा नहीं, अगर फिर भी डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।